बेटा ये जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आप लोगों ने पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है बेसिक में, स्टार्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट क्या है, चार्ज, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। इसका बेटा यूनिट निकलता था फोर्स का न्यूटन, चार्ज का क्या था, कूलम। तो इसका यूनिट हमारे पास आता था न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। आज हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फार्मूला बना लिया है। ये फार्मूला है हमारे पास, माइनस को छोड़ दें फिलहाल, ये है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब हमें इस फार्मूले से भी साबित करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इस फार्मूले से निकला है ना, न्यूटन पर कूलम, हम यही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूले से निकालेंगे। बात समझ आ गई, तो शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। अब मुझे बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। आपने अभी कल निकाला था पिछले आर्टिकल में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा वर्क का क्या होता है, जूल, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। बात समझ गए। और बेटा ये जो डिस्टेंस है इसका क्या होता है, मीटर। बात समझ गए। तो हमारे पास इसका यूनिट आ गया जूल बटे में कौन आ गया, कूलम, ठीक है, और इसके बटे में साथ यहाँ पे कौन है, मीटर। क्लियर। अगर ये आपको मुश्किल लग रही है मैं आसान कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जूल बटे में कौन आ गया, कूलम। ये मीटर के बटे में 1 लिख लें तो आपको पता है ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, ये बटे वाली होती है ये ऐसे उलट हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/m। ये बिल्कुल 10th या 9th लेवल में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। ये आ गया हमारे पास बेटा जूल बटे में क्या आ गया, कूलम, यहाँ पे क्या आ गया, मीटर। अब मुझे बताइए जूल किसके इक्वल होता है। तो आप लोगों को याद है जूल बराबर होता है बेटा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो जूल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जूल की जगह न्यूटन मीटर आ जाएगा। और नीचे ये जो आपके पास कूलम है ये यहाँ पे आ गया, ये मीटर यहाँ पे आ गया, मीटर मीटर से कट गया, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, न्यूटन बटे में कौन आ गया, कूलम। तो अगेन हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फार्मूला बनाया था इससे भी बेटा जो फार्मूला, इस फार्मूला से जो हमारे पास यूनिट निकला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो जो हमने ये वाले फार्मूले से निकाला था न्यूटन पर कूलम, इससे भी हमने न्यूटन पर कूलम निकाल लिया है। ये 2 मार्क्स में कन्फर्म क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह से आपने ड्राइव करके तैयार कर लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।